किराना बिजनेस की समस्या और उससे उबरने के उपाय। व्यापार को शुरू करना तो आसान होता है, लेकिन व्यापार को मुनाफे के साथ चलाते रहना मुश्किल होता है। किराना दुकान को अच्छे से चलाने के लिए सही तरह से मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन देखा गया है कि किराना व्यापारी छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज करता रहता है, जो समय आने पर बड़ी समस्याएं बन जाती हैं। आज हम उन कुछ मुश्किलों की बात करेंगे जो किराना दुकानदार की जिंदगी में आमतौर पर आती है, और साथ ही यह भी चर्चा करेंगे कि उनसे कैसे निपटा जा सकता है। पहला, दिन ब दिन बढ़ता कॉम्पिटिशन। ऐसा देखा गया है कि किराना धंधे को आसान समझ के काफी सारे लोग अपनी दुकान डाल लेते हैं, जिसकी वजह से एक इलाके जहां 4 किराना दुकान की जरूरत होती है, वहां 10 से 12 दुकान शुरू हो जाती है, जिससे सबका धंधा कम चलता है। इसका समाधान है, आपको अपने ग्राहक बांधने पे फोकस करना है और उसे हर तरीके से संतुष्ट रखना है। इसके अलावा आप अपनी दुकान में अच्छी क्वालिटी का सामान रखें, नए प्रोडक्ट्स लाएं और ग्राहकों को अच्छी स्कीम्स दें। दूसरी तकलीफ है मार्केटिंग पे ना खर्चा करना। बाजार में दो तरह के दुकानदार होते हैं, वे जो नियमित रूप से मार्केटिंग पर निवेश करते हैं और वे जो इसे नजरअंदाज करते हैं। जो दुकानदार मार्केटिंग पर खर्च नहीं करते, उनके ग्राहक अक्सर सीमित रहते हैं और जैसे ही कोई नई दुकान खुलती है, उनके ग्राहक उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। इससे उन्हें मार्केटिंग पर अत्यधिक खर्च करना पड़ता है, जिससे उनके व्यापार में नुकसान हो जाता है। दूसरी ओर जो दुकानदार लगातार मार्केटिंग पर निवेश करते हैं, वे अपने ग्राहक को बढ़ाने और मजबूत करने में सफल होते हैं, जिससे उनकी दुकान लगातार चलती रहती है और बाजार में उनकी पहचान बनी रहती है। इसका समाधान है, किराना बिजनेस में आपको अपने मुनाफे का 5-7% हिस्सा मार्केटिंग में नियमित रूप से निवेश करना चाहिए और ऐसे नए तरीके ढूंढने चाहिए जहां से आप कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। आसपास के अच्छे प्रोग्राम पे स्पॉन्सर करना, दुकान में अच्छी स्कीम्स चलाना, जैसी चीजों से आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। तीसरा है प्रोडक्ट मैनेजमेंट की मुश्किलें। दुकान में नुकसान लगने का एक कारण प्रोडक्ट में पैसा फंस जाना और सही समय पर न बिकना होता है। स्टॉक का नियम है कि जो सामान पहले आया है वो पहले ही निकल जाना चाहिए। इसे न अपनाने पर चीजें एक्सपायर हो सकती है और नुकसान का कारण बन सकती है। इसका समाधान है, सारे कम या न बिकने वाले आइटम्स की लिस्ट बना ले और नियमित रूप से चेक करे कि कौन सा सामान एक्सपायर होने वाला है, उन्हें आगे रखकर ग्राहक के सामने लाए। इन आइटम्स पे डिस्काउंट्स और ऑफर चलाकर इन्हें जल्दी बेचने की कोशिश करें और अगली बार सामान खरीदने के वक्त ध्यान रखें कि कौन सा सामान मुश्किल से बिका है, उन सामानों का कम ऑर्डर करें। हमने किराना दुकान की सबसे अधिक बिकने वाली आइटम्स पर एक वीडियो बनाई है, तो आप वह भी देख सकते हैं। चौथा है उधारी और रकम डूबने की टेंशन। नई किराना दुकानदार शुरुआती दिनों में ग्राहक जोड़ने के लिए उधार देते हैं, लेकिन कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जिनकी आदत ही उधार लेकर पल्ला झाड़ने की होती है। जो आज आपसे उधार लेंगे और जब आपने उनसे पैसे मांगे तो फिर किसी और दुकान पर चले जाएंगे। ये लोग आपके नुकसान का कारण बन सकते हैं। इसका समाधान है, या तो आप दुकान का नियम बना ले कि उधार माल नहीं बेचेंगे। अगर इससे आपका काम न चले तो ग्राहक को पूरा परख कर ही उधार दे और कम से कम उधार दे और समय समय पे रिक्वेस्ट करके अपने पैसे निकालते रहे। जैसे जैसे आपकी दुकान सेट होती जाए उधार देना बंद कर दे। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है वर्कर मैनेजमेंट। अक्सर किराना दुकानदार अपनी दुकान पूरी तरीके से अपने वर्कर्स के जिम्मे छोड़ देते हैं और बाद में हिसाब किताब करते वक्त पता चलता है कि खर्च कमाई से ज्यादा हो रहा है। फिर पता चलता है कि वर्कर की लापरवाही से आपको दुकान में काफी नुकसान हो रहा है। इसका समाधान है, आपको दुकान में हमेशा अपनी नजर बनाए रखनी है कि आपका सामान पड़ा पड़ा खराब तो नहीं हो रहा या कहीं नीचे दबा पड़ा हो। क्या आपके वर्कर आपसे कोई नुकसान छुपा तो नहीं रहे या आपके ग्राहकों से गलत व्यवहार तो नहीं कर रहे। इसके लिए आप अपनी दुकान में CCTV कैमरा लगा सकते हैं, जिससे आप देख पाएंगे कि दुकान में क्या चल रहा है। समय समय पर इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं और अपने नियमित ग्राहकों से बात करके अपने कर्मचारी के व्यवहार के बारे में पूछ सकते हैं। यही थी हमारी वीडियो जो आपको भविष्य में होने वाले नुकसान से बचा सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि और कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहेंगे आप।